यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ पलामू जिला प्रशासन आज एक बार फिर सख्त हुई और सदर अंचलाधिकारी शिवशंकर पांडे के नेतृत्व में डाल्टनगंज शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र के थाना रोड, पचमान चौक, डाबर धर्मशाला रोड सहित अन्य मार्गों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। अभियान के दौरान आज दुकानों के बाहर निकले छज्जे नुमा संरचनाओं और सड़क को अतिक्रमण कर रही सीढ़ियों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया। वहीं कुछ दुकानदार निर्मित अस्थायी संरचनाओं को स्वेच्छा से हटाते देखे गए। अतिक्रमण की मार फुटकर विक्रेताओं पर भी पड़ी और वे अभियान की भड़क मिलते ही अपने सामान समेटकर एक तरफ हो लिए। अतिक्रमण की खबर से बाजार क्षेत्र में व्यवसायियों के बीच हलचल देखी गई और अभियान के टोह लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर थाना प्रभारी तरुण कुमार सदलबल मौजूद थे। सीओ शिवशंकर पांडे ने कहा कि डाल्टनगंज बाजार क्षेत्र को साफ सुथरा और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। शहरवासियों की भी यह बहुप्रतीक्षित मांग थी, जिसे देखते हुए आज से अभियान की शुरुआत की गई है। बतलाया कि अतिक्रमण अभियान आने वाले दिनों में भी रांची रोड, पाकी रोड और बाईपास रोड के अलावे अघोर आश्रम वाले सड़कों पर भी चलाई जाएगी। कहा कि अभियान में शहरवासियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और आने वाले दिनों में डाल्टनगंज शहर को स्वच्छ बना दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लोगों की डिमांड पर ही आज से हम लोग अतिक्रमण का अभियान चला रहे हैं, जो लंबे समय तक चलेगा और बहुत लोगों का सहयोग मिल रहा है। जिनका टूट रहा है वे भी उसका वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी सोच थी कि अगर टूट जाएगा तो उससे बाज़ार का रौनक बढ़ जाएगा। और मैं समझता हूँ चैम्बर का मांग था, लोगों का पर्सनल दुकानदारों की मांग थी कि अतिक्रमण अभियान चलाया जाए और साथ साथ आप लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, जिसके चलते हमको लगता है कि इस बार हम लोग 1 से 1.5 महीना तक अभियान चलाएंगे और उसमें शहर आपको अगले 1.5 से 2 महीना के बाद शहर आपको बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर नज़र आएगा, जिसकी कल्पना हम शहरी डाल्टनगंज के निवासी करते हैं। उस तरह का शहर अगले 1.5-2 महीना के बाद आपको दिखाई देगा। अनुमान लगभग सभी शहर के अलावा, मुख्य बाज़ार के अलावा सभी मुख्य सड़कों पर भी हम लोग इस अभियान को चलाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से पाकी रोड, रांची रोड, बाईपास रोड और अघोर आश्रम वाला रोड, इन सारे रोड को जो है हम लोग क्लियर करेंगे बाज़ार के अलावा।